तो यूपी में हुआ बड़ा एनकाउंटर और इसके बाद सारा का सारा विपक्ष एनकाउंटर को फर्जी करार देने में देने पर आमादा है। और अब कांग्रेस के एक बड़े लीडर सुबोध कांत साय, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर सवाल उठाए, कहा सरकार क्रिमिनल नहीं हो सकती है। सुबोध कांत साय ने कहा कि ऐसा लगता है कि योगी एक राइवल गैंग चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जो कार्यकलाप और कारनामे चल रहे हैं, अगर एक क्रिमिनल के साथ सरकार क्रिमिनल बन जाता है तो उस पर न्याय का क्या स्वरूप रहेगा? फिर सरकार क्या होता है? सरकार क्रिमिनल नहीं होता है, सरकार सबके रक्षा करने वाला होता है और जो क्रिमिनल होता है उसको सजा देने वाला। विकास दुबे की घटना कितनों बड़ा क्रिमिनल था, लेकिन जिस तरह से उसको सारा प्लान करके, उसका स्क्रिप्ट बना करके, और ये जो घटना हुई है इलाहाबाद की घटना, और उसमें मुख्यमंत्री का जिस तरह से हर चीज में मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं, एक राइवल की हैसियत से, लगता है कि जैसे वो राइवल गैंग चला रहे हैं, उनकी हैसियत से उनका जो बयान आता रहा है कि हर आदमी ये मान के चलता था कि इनकी हत्या होने जा रही है, ये मान के चलता था। मैं समझता हूँ जुडिशियरी को इस पर अविलंब संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये देश के संवैधानिक ढांचा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम किसी क्रिमिनल को बख्शे जाने के नहीं, मैं देश का होम मिनिस्टर रहा हूँ और उनसे ज़्यादा बुरे वक्त में होम मिनिस्टर रहा हूँ। अभी मोदी के राज में तो क्रिएटेड प्रॉब्लम है, हमारे वक्त में इनहेरेंट प्रॉब्लम था, लेकिन किसी के ऊपर फेक इनकाउंटर या मोटिवेटेड इनकाउंटर को कभी जगह नहीं दिया। पंजाब, कश्मीर, आसाम, उल्फा, एलटीटी, मंडल कमीशन, अडानी की रथ यात्रा, सबको हमने देखा और हैंडल किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि न्यायपालिका को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ये सरकार के पदाधिकारी अगर क्राइम में लिप्त हो जाएंगे तो न्याय किससे मिलेगा? कौन देगा न्याय? उनकी मानसिकता तो वही हो जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।